गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। वी हैव डन द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। फर्स्ट वी हैव डन दैट इज टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ द यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, इन विच वी हैव कन्वर्टेड न्यूटन इनटू डाइन और जूल इनटू आर्क और आर्क इनटू जूल। सेकेंड वन use we have done that the to check the correctness of a relation or equation, jisme hum logo ne kisi bhi relation or equation ki hum logo ne correctness ko check kiya tha। third one by using the dimensional analysis or dimensional formula we have derived the relation for a physical quantity which we have studied in the previous lecture। so today we will discuss about the limitations of the dimensional analysis। We will also solve some questions related to the dimensional analysis, जो कि हम लोग बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में। पहले इसकी limitations हम लोग समझ लेते हैं। First one, this method gives no information, this one, no information about dimensionless constant in the formula। ये कोई भी ऐसी information नहीं देता है उन constant के बारे में जिनके कोई dimensions नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने किया था, एक फार्मूला डिराइव किया था फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। वी हैव फाउंड दैट के अंडर रूट एल अपॉन जी। इन दिस केस दिस डायमेंशनल फार्मूला, ये रिलेशन तो आ गया था हमारे पास, इट इज अंडर रूट एल अपॉन जी, लेकिन इस कॉन्स्टेंट के बारे में कोई भी रिलेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिली थी। हम लोगों ने बाद में इसकी एक वैल्यू रख दी थी 2 पाई, तो ये लिख दिया था हम लोगों ने दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, बट दिस कम्स आउट टू बी एक्सपेरिमेंटल, सो इट डज नॉट कम फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये इस कॉन्स्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। सेकेंड वन, इफ अ क्वान्टिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री फैक्टर्स हैविंग डायमेंशंस, देन द फार्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। अगर मान लो आपके पास तीन क्वान्टिटी से ज़्यादा के ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है जिनके डायमेंशंस हैं, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस नहीं अप्लाई कर सकते हैं टू डिराइव द फार्मूला। नेक्स्ट वन, वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एटसेट्रा विच हैव नो डायमेंशंस, जिनके कोई भी डायमेंशंस नहीं है। हमारे पास जिन भी फार्मूला में या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन है, कॉस है, टेन आपके पास आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, ई की पावर आप लोगों के पास आ जाती है, या फिर आप लोगों के पास लॉग आ जाता है, लॉग की टर्म में कोई रिलेशन आते हैं, तो ना तो आपके पास इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कोई डायमेंशनल फार्मूला है, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ना ही लॉगरिथमिक फंक्शंस का है। तो इट मीन्स वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला फॉर सच क्वान्टिटीज, सच फिजिकल क्वान्टिटीज। नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑन एनी साइड। इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे हमारे पास ये देखा है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो देर आर मोर देन वन पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, मतलब हमारे पास प्लस और माइनस में अगर कुछ आ गया किसी भी साइड को, देन द रिलेशन दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय यूजिंग द डायमेंशंस। लास्ट वन, वेरी सिंपल वन, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, स्पीड और वेलोसिटी के लिए हमारे पास डायमेंशन सेम है, दैट इज अ L1T-1, तो हमें नहीं पता है कि भाई कौन सी स्पीड है, कौन सी आपके पास वेलोसिटी है, तो उससे हम लोग ये पता नहीं लगा सकते हैं कि दैट विच क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी एंड विच क्वांटिटी दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, here is the question, simple question, in van der Waals equation p plus a upon b square into v minus b is equal to rt, this is the equation given,
व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, इनके डायमेंशंस निकालने हम लोगों ने ए और बी के। हियर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, टी इज टेम्परेचर एंड आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट। अब इनको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं, हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है, हमने पहले बात की थी कि दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द इक्वेशंस हैविंग द और द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस दैट कैन ओनली बी एडेड। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास कि जो क्वांटिटी सेम है वही आपस में ऐड होंगी और जो क्वांटिटी सेम है वही आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। इट मींस यहाँ पर अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर में हम लोग सिर्फ क्या ऐड कर सकते हैं, प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं। वी अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में से क्या माइनस होगा, वॉल्यूम ही माइनस होगा, इसमें से कोई और क्वांटिटी जो है वो माइनस नहीं होगी। सबसे पहले बात आती है हमें इनके जो नॉन क्वांटिटीज हैं जैसे पी है, वी है हमारे पास, आर है या डी, अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास तो इनके डायमेंशंस का पता होना चाहिए। अगर मान लो बच्चों आप लोगों को प्रेशर के डायमेंशंस मान लो आप लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं, डोंट बी पैनिक। सभी को पता है कि दैट प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके बराबर, फोर्स के डायमेंशन सभी को पता है, एम वन एल वन टी माइनस टू और एरिया के एल टू। तो आपके पास प्रेशर के डायमेंशंस क्या आ गए, एम वन एल माइनस वन, ये ऊपर जाएगा टी माइनस टू, हमारे पास निकलेंगे किसके, प्रेशर के डायमेंशंस। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पर हमने निकालने ए और बी के। एस इन इक्वेशन दिस पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इज इक्वल टू आर पी। प्रेशर कैन ओनली बी एडेड टू प्रेशर, इट मीन्स दिस होल क्वांटिटी ए अपॉन वी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर, इट मीन्स दैट ए अपॉन वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्रेशर। सो इट मीन्स ए इज इक्वल टू प्रेशर इन टू वॉल्यूम का स्क्वेयर। अब प्रेशर के डायमेंशंस तो हम लोगों ने ये पता कर रखे हैं, हमें पता है इनका। सो पी किसके बराबर आ गए, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू इन टू। वॉल्यूम के आते हैं आपके पास एल थ्री और इसका साथ में क्या है, स्क्वेयर है। यहाँ वॉल्यूम के हो गए एल थ्री और इसका क्या हो गया, स्क्वेयर। सो ए के आगे एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू इन टू एल सिक्स। अब देखते हैं ए के डायमेंशंस, एम वन एल ये माइनस वन ये सिक्स, तो कितना बच गया, फाइव टी माइनस टू। सो दीज आर द दिस इज द डायमेंशंस ऑफ अ ए। अब बात करते हैं बी की। बी में देखें हम लोग, फॉर बी वॉल्यूम दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वॉल्यूम ओनली, इट मीन्स वॉल्यूम में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये बी भी क्या हुआ, वॉल्यूम के बराबर ही हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट बी दैट इज इक्वल टू बी। तो वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या हैं, एल थ्री, बस आ गए हमारे पास डायमेंशन। तो ए के हो गए आपके पास क्या, एम वन एल फाइव टी माइनस टू और बी के क्या हो गए, एल थ्री। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम नॉट एल थ्री टी नॉट, ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो आपकी इच्छा है, नहीं तो यहाँ तक आपके पास सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर भी ए और बी लिखते हैं, इन द रिलेशन पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर पी इज पावर। अब ध्यान दें, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने दिया क्या है, पिछले में था पी इज प्रेशर, पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या गया, P इज अ पावर, x इज अ डिस्टेंस एंड t इज टाइम। बाकी तो सभी सिंपल हैं, x के सभी को पता है डिस्टेंस है तो लेंथ ही आपके पास, टाइम है तो t ही आएंगे हमारे पास। पावर देख लेते हैं हम लोग पहले, पावर के डायमेंशन सब लोग निकाल करके रख लेंगे। पावर आती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन आता है m1 l2 t टी माइनस टू अपॉन टाइम, दिस इज t1। तो आपके पास ये आगे एम वन एल टू टी माइनस थ्री, ये हो गए आपके पास, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ अ पावर।
हम लोगों ने निकालने ए और बी के। अब मैंने पहले बताया आप लोगों को, यहाँ पर आ रहा है बी माइनस एक्स स्क्वेयर, इट मीन्स दैट दिस इज अ स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस। सो स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ओनली, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि जो सेम तरह की क्वांटिटी है दैट कैन ओनली बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो इसका मतलब अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो बी फ्रॉम द रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए टी, इसको मैंने दे दिया नंबर वन। B के निकाल लेंगे पहले हम लोग, कोई जरूरी नहीं है कि A के ही निकालने हैं। तो B के देखें तो B इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सो B x क्या है लेंथ, मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ और इसकी पावर क्या आ गई टू, तो क्या होंगे एल टू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी आ गए हमारे पास। अब क्योंकि इसके भी एल टू इसके भी एल टू, अगर माइनस करेंगे तो मैंने आप लोगों को बोला था एल माइनस एल दैट इज इक्वल टू एल, एल प्लस एल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एल, तो यहाँ पर एल टू माइनस एल टू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एल टू के बराबर आएगा हमारे पास। तो हम लोग बात करेंगे देयरफॉर फ्रॉम वन, पी इज इक्वल टू एल टू, मैंने ये पहले ही लिख लिए डायमेंशन यहाँ पर ए इंटू टी, मुझे चाहिए ए के डायमेंशन, तो मैं लिख लू यहाँ पर ए इज इक्वल टू एल टू अपॉन पी इंटू टी। अब पी के आप लोगों ने निकाल रखे हैं, पावर आप लोगों के पास थी, पी इज पावर ये निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दिया एल टू अपॉन पावर के एम वन एल टू टी माइनस थ्री इंटू इस टी के आपके पास ये टी वन। अब देखते हैं ए इज इक्वल टू एल टू अपॉन एम वन एल टू टी माइनस टू, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, सो ए इज इक्वल टू इसको ले जाओ ऊपर एम माइनस वन एल हो जाएगा नॉट, यहाँ टू नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा और टी माइनस टू ये आ गया। आप लोग ऐसे लिख दो चाहे इनको ऐसे लिख दो, दैट इज एम दिस इज टी दैट इज प्लस टू, ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा आपके पास एम माइनस वन एल नॉट टी टू, तो चाहे आप लोग ऐसे लिख दो एम माइनस वन टी टू के। सो डायमेंशंस ऑफ ए एम माइनस वन टी टू, डायमेंशंस ऑफ बी दैट इज एल टू, तो ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी वी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी, हम लोगों ने तीनों को लिखा। अब देखो ये वेलोसिटी के बराबर है, इट मीन्स एवरी टर्म दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में ये ए भी वेलोसिटी के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये ए दैट इज आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी। सम आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट होता तो किसी और चीज़ के बराबर हो सकता था, लेकिन ये किसके बराबर आएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में ऐड क्या होगा, वेलोसिटी ही ऐड होगी, तो इट मीन्स फ्रॉम रिलेशन, यहां से ध्यान दें फ्रॉम रिलेशन v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। यहां से देखते हैं a दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशंस a इज इक्वल टू वेलोसिटी कहते हैं एल वन टी माइनस वन। आगे इसका मतलब b इंटू टी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी ही क्या होगी ऐड होगी। अगेन b इंटू टी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, सो b दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी के डायमेंशन हैं एल वन टी माइनस वन और नीचे आ गया t आपके पास इसके वन, तो b के जो डायमेंशन है आपके पास वो हो गए एल वन टी माइनस टू।
ये भी किया। अब सी के पहले नहीं निकलेंगे, यहां पर डी के पहले निकलेंगे हमारे पास। देखो दिस डी इज एडेड टू टाइम, इट मीन्स दैट टाइम कैन बी ओनली एडेड टू टाइम, सो इट मीन्स डी दैट इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि ये एडिशन आ गया नीचे अलग से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट डी दैट इज इक्वल टू टाइम टी। सो डी के डायमेंशन किसके बराबर आ गए, टी के टी। अब ये टी के बराबर हो गया। अब ये पूरी टर्म जो है, ये वाली टर्म, ये जो सारी की सारी है, ये भी किसके बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि है तो क्या ये फैक्टर, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, तो इसका मतलब सी अपॉन डी प्लस टी दैट इज इक्वल टू वी। अब सी अपॉन इसके, क्योंकि टाइम है, ये भी टाइम है, तो टाइम ऐड करेंगे तो क्या ऑप्टेंड होगा, टाइम ही ऑप्टेंड होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया टाइम दैट इज इक्वल टू वी। सो सी दैट इज इक्वल टू वी इन टू टी, सो सी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी के एल वन टी माइनस वन इन टू दिस वन इज टी वन। सो सी के डायमेंशन आपके पास आ गए एल वन। सो अगर हम लोग देखें यहाँ से तीनों के देख लें, तो चारों के ए आ गया एल वन टी माइनस वन, बी की बात करें तो बी आपके पास आ गया एल वन टी माइनस टू, सी की बात करें तो सी आपके पास आ गया एल के बराबर, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, और डी के डायमेंशन आपके पास आ गए किसके बराबर, टी के बराबर। बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी क्यू, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, वट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालने हैं अब यहाँ पर, तो यहां पर देखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यू। देखो ये डिस्टेंस है, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में ऐड क्या होगा, डिस्टेंस ही ऐड होगी। इट मींस हमारे पास पहले बात करते हैं हम लोग ए टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स, सो ए के निकालने हम लोगों ने एक्स अपॉन टी स्क्वेयर। पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट देखो एक्स किस में है, मीटर में, टाइम किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड का स्क्वेयर के आगे मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, ए के डायमेंशन एक्स है लेंथ और टाइम का स्क्वेयर है तो टी टू, तो इसके डायमेंशंस आपके पास क्या आ गए, ए के डायमेंशंस दैट इज एल वन टी माइनस टू, इट मीन्स ए रिप्रेजेंट्स एक्सलरेशन, तो ये यूनिट हो गए और ये क्या आ गया आपके पास है, डायमेंशंस आ गए। अब बी की बात करते हैं, बी भी किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड होगी, सो फॉर दिस वन दैट इज अ बी टी क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स b दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी क्यू। यूनिट लिख लेते हैं पहले, ये किस में है, मीटर में है, और ये किस में है, सेकंड में है, तो उसके यूनिट आ गए मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशंस की, डायमेंशंस x के क्या है आपके पास, डिस्टेंस है, तो क्या रह गए, लेंथ अपॉन टाइम, तो b के जो डायमेंशंस आ गए दैट इज एल वन टी माइनस थ्री, सो दीज आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, हो गया, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया हम लोगों ने, क्या किया, a अपॉन b के लिखने हैं इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस bt स्क्वायर, where f is force, x is a distance and t is a time, ये हम लोगों ने देख लिया। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्रॉम रिलेशन,
f is equal to a under root x plus b t square. देख वही यूज करेंगे कंसेप्ट हम लोग, क्योंकि ये फोर्स है तो ये भी किसके बराबर, फोर्स के बराबर, और ये भी किसके बराबर, फोर्स के बराबर. हमने ए के डायमेंशंस निकाल लेने हैं, बी के निकाल लेने, और दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या रहेंगे, ए अपॉन बी के डायमेंशंस आ जाएंगे. तो यहां से देखें ए अंडर रूट एक्स दैट इज इक्वल टू एफ, सो ए दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन अंडर रूट. So, यहां पर डायमेंशंस लिखेंगे फोर्स के हैं m1 l1 t माइनस टू, और x के आते हैं आपके पास l, क्योंकि डिस्टेंस है. ये अंडर रूट है, अंडर रूट को मैंने लिख दिया पावर 1 बाई टू. सो a के डायमेंशंस आपके पास आ जाएंगे m1, ये ऊपर जाएगा पावर 1 है, 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा तो पावर बच जाएगी हाफ, l पावर 1 बाई टू टी माइनस, ये आपके पास आ गया डायमेंशंस किसके, एक है. ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसके निकाल लेते हैं, अब बी के निकाल लेंगे. अब इसका मतलब अगेन बी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर्स, ये भी फोर्स के बराबर हो गया. तो इसका मतलब बी दैट इज इक्वल टू, बी के चाहिए हम लोगों को तो फोर्स अपॉन टी स्क्वायर. सो बी दैट इज इक्वल टू फोर्स के क्या है बेटा, एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन ये टी पावर टू. तो बी के डायमेंशंस अगर हम लोग देखें यहां से, तो बी के आ गया आपके पास एम वन एल वन, और टी पावर हो गया माइनस फोर, यहां से माइनस टू और ये प्लस टू नीचे से गया तो क्या हो गया, माइनस फोर हो गया. ठीक है, तो हमारे पास ए के भी आ गए और बी के भी आ गए, लेकिन क्वेश्चन में ए और बी के नहीं पूछे हैं, किसके पूछे हैं, ए अपॉन बी के. देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी, ए के लिख लो आप लोग पहले क्या है, एम वन एल पावर वन बाई टू, मतलब एल हाफ टी माइनस टू अपॉन एम वन एल वन टी माइनस फोर. सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ये तो हो गया एम नॉट पावर वन, ये भी वन नॉट हो गया, एल पावर हाफ माइनस वन माइनस वन बाई टू, और टी पावर टू के पास, क्योंकि माइनस टू और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस फोर, तो माइनस टू प्लस फोर दैट इज इक्वल टू टू के बराबर. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी के जो डायमेंशंस हैं दैट इज इक्वल टू एम, को लिखना हो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं एल माइनस वन बाई टू टी टू के बराबर. यस, क्वेश्चन ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन पी इज इक्वल टू ए माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, वेयर पी इज प्रेशर. ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये जो गिवन होता है कि क्या है ये हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि मर्जी से मान देना है. पी इज प्रेशर, एक्स इज अ डिस्टेंस एंड टी इज अ टाइम. प्रेशर के वजह से हम लोगों ने निकाले थे अभी अभी एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके डायमेंशन हम लोग निकाल करके रख लेते हैं. पी प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के हैं एम वन एल वन टी माइनस टू, और ये एल टू एरिया आपके पास, तो आगे एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हमारे पास आ गया, यही मैंने आप लोगों को बताया. ठीक है, अब क्योंकि पी से पावर को भी डिनोट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मर्जी से मान लेना आप लोगों ने, वट एवर इज द गिवन वही आप लोगों ने यहाँ पर लेकर के चलना है. ठीक है, सो फ्रॉम रिलेशन, कौन सा, p इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, इसको दे दो नंबर वन. हमने a अपॉन b के डायमेंशंस निकालने हैं, इसका मतलब पहले किसके निकालेंगे, a के निकालेंगे, और फिर किसके निकालेंगे, b के निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, फिर बाद में डिवाइड कर लेंगे, ऐसे चलना है सिंपल वे से हम लोग. तो यहां से अगर देखें हम लोग दैट a माइनस टी स्क्वायर, ये टाइम है, टाइम का स्क्वायर है, इसका मतलब टाइम का स्क्वेयर जो है वो टाइम के स्क्वेयर में से ही माइनस होगा. सो फ्रॉम दिस वन रिलेशन ए इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, सो ए के डायमेंशंस के आगे टी टू के, ये
ये हमारे पास एक है। अब क्योंकि ये भी टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, तो हमारे पास टाइम के स्क्वेयर में से टाइम का स्क्वेयर माइनस होगा तो क्या ऑब्टेंड होगा, टाइम का स्क्वेयर ही ऑब्टेंड होगा। सो फ्रॉम वन पी इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया टी स्क्वेयर टी टू अपॉन बी इंटू एक्स। यहां से निकाल लेते हैं हम लोग इसकी वैल्यू बी की, दैट इज इक्वल टू टी टू अपॉन पी इंटू एक्स। अब ये वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पर। सो बी की बात करें तो बी इज इक्वल टू टी टू, पी हमारे पास ये है किसके बराबर, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपके पास है। एक्स एक्स लेंथ है तो एल वन, एल वन से एल वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू टी टू अपॉन एम वन एल नॉट टी माइनस टू। मैं एल को नहीं लेकर के चलूंगा यहां पर, तो मैं लिख दिया बी इज इक्वल टू एम माइनस वन टी फोर, एल नॉट ही था तो उसको रहने दिया ऐसे एज इट इज, एम माइनस वन और टी माइनस टू है ये ऊपर रैप के, टू प्लस टू क्या हो गया आपके पास फोर हो गया। अब निकालने किसके हैं हम लोगों ने, ए अपॉन बी के। सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए के क्या थे टी टू, और बी के क्या थे आपके पास क्या है एम माइनस वन टी पावर फोर। अब ये आपके पास ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस, और टी ए ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस फोर, तो टू माइनस फोर दैट इज इक्वल टू माइनस टू के बराबर। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। इसी तरीके से आप लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो, जैसे मैंने ये रिलेशन लिखा, आप लोग इस रिलेशन को लिख सकते हो, आप लोग बोल सकते हो दैट पी इज पावर, फिर आप लोग डायमेंशंस निकाल सकते हो या अपॉन बी की रेशो निकाल सकते हो। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो सारा का सारा काम आप लोगों ने फेयर नोटबुक के ऊपर करना है, ओके, और पढ़ना है इनको अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।